बात करेंगे धमतरी की, जहां पर पुलिस नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत अर्जुनी पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि ग्राम सांकरा में एक व्यक्ति के द्वारा गांजा बेचने की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और एक आरोपी को अवैध रूप से गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 10 किलो गांजा की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी ढावल साहू छोटी छोटी पुड़िया बनाकर की कुछ महीनों से गांजा बेचने का कार्य कर रहा था, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। हमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और एडिशनल SP के मार्गदर्शन में जो धमतरी पुलिस है वो नशे के विरुद्ध जो है मुहिम छेड़े हुए हैं, उसी के तारतम्य में अर्जुनी थाने के अंतर्गत मुखबिर ने सूचना दी कि सांकरा गांव में एक व्यक्ति जो है अपने घर से ही अवैध रूप से गांजा की बिक्री कर रहा है। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है उनके घर की तलाशी ली। तलाशी में जो है वो 10 किलो गांजा जो है वो प्राप्त हुआ है। उसके खिलाफ जो है NDPS के धारा के तहत FIR पंजीबद्ध कर रिमांड में लिया गया।